सेन एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। एक बार फिर सीज फायर को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में शुक्रवार की रात पाकिस्तानी सैनिकों ने जमकर गोलीबारी की। बस समझ लीजिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। पाकिस्तान है कि मानता नहीं, उसे न तो द्विपक्षीय समझौते की चिंता है और न ही अपने वादों की परवाह। शुक्रवार की रात पाक सेना ने पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक रात 10:20 पर शुरू हुई फायरिंग शनिवार सुबह तक चलती रही। इस दौरान पाकिस्तानी सैनिकों ने 7,000 से ज्यादा गोलियां चलाई और मोर्टार से गोले भी फेंके। दरअसल ये हरकत आतंकवादियों को मदद पहुंचाने के लिए की गई, ताकि गोलीबारी की आड़ में आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर सकें। अगले महीने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक होने वाली है। इस दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हो सकती है। इस बैठक से पहले पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने पर तुले हैं और इस नापाक हरकत में उनका साथ दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में कठपुतली हैं। आईबी ने बीएसएफ को अलर्ट किया है कि मेंढर सेक्टर में सीमा के उस पार 40 से 50 आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं। जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई। लोगों ने सरकार से सवाल किया कि आखिर वो हाथ पर हाथ धरे बैठी क्यों है। अजय चांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि सरहद पार करीब 300 आतंकी ट्रेनिंग लेकर भारत में घुसने के लिए तैयार बैठे हैं और उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। आतंकियों की इस नाकामी से पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की नींद हराम हो गई है। इन आतंकियों की ट्रेनिंग के बाद अब उनके खाने पीने पर खर्च करना पड़ रहा है और उससे हासिल कुछ नहीं हो रहा। इन्हीं आतंकियों को भारत में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी फौज LOC पर गोलीबारी कर रही है। ऐसी गोलीबारी का मकसद सिर्फ आतंकियों को कवर फायर मुहैया कराना है, ताकि वो सरहद पर मानसून में बेहतरीन उगी झाड़ियों की ओट लेकर घुसपैठ कर सकें।